बाज़ाए बिना पाकिस्तान ने यूएनजीए की बैठक में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। बैठक के दौरान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए इमरान खान ने खुद को ही पीड़ित बता दिया। वहीं इमरान खान के झूठे आरोपों का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि इमरान खान आतंकवाद के पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। इमरान खान के भाषण के बाद राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के झूठे आरोपों की पोल खोल कर रख दी। भारत की ओर से फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पक्ष रखा। इमरान खान ने कश्मीर पर रोना रोया तो भारत ने भी करारा पलटवार किया। राजनयिक स्नेहा दुबे ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। इसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को तुरंत पीओके को खाली करना चाहिए। स्नेहा दुबे ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग है और रहेंगे। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा कि किस तरह पाकिस्तान वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए कर रहा है। ये थी एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।